वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। इजलास में पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से भी आज मुशावरत करने जा रहे हैं। तो अहम इजलास तलब किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज होने जा रहा है, किन मामलों पर गौर होगा जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद आगा कीजिए। जी बिल्कुल, आज 12:30 बजे का वक्त है जिसमें वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको भी दावत दी है वज़ीर आज़म हाउस में, और दूसरी जानिब जो पार्लिमानी लीडर्स हैं इत्तेहादी जमातों के वो भी इसमें शरीक होंगे। और ज़राए बता रहे हैं कि आज का जो इत्तेहादियों से मुशावरती इजलास है इसमें आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उस पर गौर किया जाएगा, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म जो ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने से किया जा रहा है PTI के साथ उस पर भी तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर एतमाद में लेंगे। तो इस हवाले से 12:30 बजे ये इत्तेहादियों से मुतालिक इजलास है, जिसके बाद एक फिर काबीना का इजलास भी होना है तकरीबन 2:30 बजे, और फिर आज सुपहर जो है वो नेशनल असम्बली के इजलास से कबल जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया है वज़ीर आज़म ने, और शाम 7 बजे तमाम इत्तेहादी जमातों के और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं तमाम उनको ईद मिलन एक पार्टी है, उस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस पर एक खाने पर जो है वो दावत दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, जहां एक बार फिर तमाम अराकीन पार्लियामेंट से जो है वो वज़ीर आज़म बातचीत भी करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे। तो इस हवाले से 12:30 बजे जो पार्लिमानी लीडर्स का पहले इजलास होना था उसमें फिर पार्टी हेड्स को शामिल किया गया है, और पार्टी हेड्स तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और इस इजलास का आगाज़ होगा। जी जावेद, शुक्रिया आपका।